भिलाई इस्पात मजदूर संघ द्वारा अपने कार्यालय में भूतपूर्व सैनिकों एवं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का सम्मान प्रतीक चिन्ह भेंट कर किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यवाहक सुनील पटेल उपस्थित हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता BMS के कार्यकारी अध्यक्ष चन्ना केशवल्लू ने की। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर भिलाई इस्पात मजदूर संघ के कार्यालय में भूतपूर्व सैनिकों एवं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुर्ग के कार्यवाहक सुनील पटेल उपस्थित हुए। अध्यक्षता भिलाई इस्पात मजदूर संघ के कार्यकारी अध्यक्ष चन्ना केशवलू ने की। अतिथियों ने पूर्व सैनिकों एवं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। उपस्थित जनों को मुख्य अतिथि ने संबोधित किया। हमारे साथी भिलाई इस्पात संघ के कर्मचारी जो कर्मवीर लोग हैं उनका और हमारी भिलाई को जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खेल में हमारे छत्तीसगढ़ और भिलाई का नाम रोशन किया, ऐसे महान खिलाड़ियों का हम स्वागत करने जा रहे हैं। हम आए हुए सभी को सारा नमन करते हैं। और सेवक तो नहीं हूँ इसलिए मेरे और सामान्य लोगों में ये बराबर सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। जो स्लीपर में जो सुविधा सबको मिलती वही सुविधाएं मेरे को मिलना चाहिए। ऐसा समानता जब कोई देश का सर्वोच्च पद में रहने वाला, आज हम सब जानते हैं कि देश में सर्वोच्च पद रहने वाला व्यक्ति हम सबके सामने एक नायक के रूप में काम कर रहा है, हम सब उसका नाम जानते हैं कि नाम मैं लेना नहीं चाहता हूँ। ये भाव सब में ला रहा है और सबको समानता अधिकार मिलना चाहिए। उस समय से लेकर आज समय तक ये भाव जब आएगा और इस भाव को लाने के लिए हम सब के बीच प्रेरणा दूसरों को काम कर रहे हैं। दूसरा, ये जो भाई सामने बैठे हैं जिनका सम्मान करने का उनको अवसर मिलेगा, वो तो वीर सेनानी है ही है। तो गाँव कहीं ना कहीं आज आप फैक्ट्री में तो फैक्ट्री की बॉर्डर की देख रेख करते हैं, तो देश की बॉर्डर में विदेश की बॉर्डर की देख रेख करते हैं, लेकिन हमको बहुत सारे लोग ऐसे जो सिविलाइज। बहरहाल इस अवसर पर मुख्य रूप से शारदा गुप्ता, प्रदीप पाल, धनंजय चतुर्वेदी, सोम भारती, अभिषेक सिंह, सन्नी विपन, एविशन वर्गीस, कैलाश सिंह, रवि चौधरी, रमाकांत पांडे सहित अन्य लोग उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।